ऑस्ट्रिया के 320 साल पुराने अखबार विनर जेतुन का दैनिक प्रकाशन बंद हो गया है। इस अखबार की गिनती दुनिया के सबसे पुराने अखबारों में की जाती है। विनर जेतुन को हाल ही में कानून में किए गए बदलाव के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। अखबार ने अपने अंतिम संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर छापा 320 साल 12 राष्ट्रपति 10 राजा 2 लोकतंत्र और 1 अखबार। 1703 में वीएन रिस्टेंस डायरियम के रूप में पहली बार प्रकाशित ये दुनिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक है। अप्रैल 2023 तक ये कंपनी पंजीकरण जैसे कानूनी रूप से आवश्यक घोषणाओं के लिए ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार का आधिकारिक राजपत्र था। रिकॉर्ड के मुताबिक 2002 तक जीएनआर जेतुन 4 ऑस्ट्रियाई दैनिक गुणवत्ता वाले अखबारों में से एक है। अखबार ने 30 जून 2023 को अपना दैनिक प्रिंट संस्करण समाप्त कर दिया, एक ऑनलाइन प्रकाशन बन गया। प्रसिद्ध अखबार ने अपने अंतिम संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर छापा 320 साल 12 राष्ट्रपति 10 राजा 2 लोकतंत्र और 1 अखबार। ऑस्ट्रिया सरकार के स्वामित्व लेकिन संपादकीय रूप से स्वतंत्र विनर जेतुन को हाल ही में कानून में किए गए बदलाव के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। अखबार को 63 कर्मचारियों को हटाने और संपादकीय विभाग में 2/3 कर्मचारियों की संख्या घटाकर 20 करने पर मजबूर होना पड़ा था। अब ये अखबार ऑनलाइन जारी रहेगा और इसका मासिक संस्करण निकालने की योजना है। अपने अंतिम संस्करण में अखबार ऑस्ट्रिया के सबसे मशहूर लोगों में से एक अभिनेता से नेता बने और नेल्ड का इंटरव्यू छापा है। राहत की बात सिर्फ ये है कि अखबार अब डिजिटल संस्करण जारी करेगा। इससे पाठकों को अखबार से जुड़े रहने का मौका आगे भी मिलेगा। अगर अखबार डिजिटल माध्यम से भी बंद हो जाता है तो इसके पाठकों को सबसे ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ता। अपने अंतिम दैनिक प्रिंट संस्करण में अखबार ने ऑस्ट्रिया के सबसे प्रसिद्ध निर्यातकों में से एक अभिनेता से नेता बने और नेल्ड का इंटरव्यू लिया। इसने अफसोस जताया कि चोएसुर जेनेगर प्रसिद्ध टर्मिनेटर चरित्र के विपरीत अखबार में वापस जाऊंगा, वाक्यांश को भविष्य के लिए अपना आदर्श वाक्य नहीं बना पाए।